क्या बात है बेटा, अभी तक सोए नहीं? कपड़े भी तब्दील नहीं किए? जा रहा हूं। इतने बेजार क्यों हो? थक गया मम्मी, और क्या, बिला वजह का फंक्शन था। अरे बेटा बिला वजह क्यों, मेरे तो दिल का अरमान पूरा हुआ है, फसी की मंगनी करवा के। कितनी अच्छी लड़की है माशाल्लाह से, तुमने देखी मेरी पसंद, हर कोई तारीफ कर रहा था। काश ये सब कुछ आपने अपने इकलौते बेटे की शादी से पहले भी सोचा होता। मेरी बारी में तो बगैर देखे जबरदस्ती आपने अपनी मर्जी ठोस दी, फिर ये भी हुक्म सादर कर दिया कि निभाओ भी। वाह, मैंने कहा था ना उमान बहुत खूबसूरत है, और आज तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी? भाई जैसी है वैसी लगी, लेकिन उसका इंतखाब करने से पहले कम से कम तुम्हें अपने भाई को तो देखना चाहिए था ना। दानियाल, क्या गलत कहा मैंने? इतनी अच्छी, इतनी मॉडर्न स्टाइलिश लड़की से अपने भाई के साथ शादी कर दी, फिर एक और बेजोड़ शादी। इस तरह की शादी ज्यादा अरसे तक कामयाब नहीं रहती है। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है, बहुत जल्द उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका शौहर उसके साथ चलते हुए कितना मिसमैच लगता है, और फिर मामला खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ईमान बहुत खुश है इस रिश्ते से। फिर तो मुझे उसकी अक्ल और आंखों दोनों के ठीक होने पर ही शुभ है। क्यों, फसी इतना अच्छा लड़का है, मोहब्बत से भरपूर, सबका ख्याल रखने वाला, वो ईमान को बहुत खुश रखेगा। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, है ना? नहीं दानियाल, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तो फिर क्या सुना रही हो मुझे? नहीं, मैं तो सिर्फ। अच्छा बस, अच्छे तरीके से जानता हूँ क्या मतलब था तुम्हारा। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयसर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा